हेलो गाइस, क्यूकार्ड सीरीज़ में नेक्स्ट क्यूकार्ड है, एक ऐसे टीवी प्रोग्राम के बारे में बात करनी है जिससे देख के हमें हंसी आती हो। कौन सा है, कब देखते हो, क्यों हंसाता है। नाउ टाइम फॉर अ स्मॉल टिप। गाइस, आप किसी भी उसके बारे में बात कर सकते हो, लाइक टॉम एंड जेरी एंड ऑल, बट मैं प्रेफर ये करूँगी किसी लेटेस्ट वाले के बारे में बात करो, बिकॉज उसके बारे में आपके पास कंटेंट ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा देर तक बोल पाओगे। नाउ लेट्स सी द वोकैब एंड इडियम्स। सो द फर्स्ट वन इज़ हिलेरियस एंड ह्यूमर, जिसका मतलब होता है फ़नी। नेक्स्ट वन इज़ डाई लाफिंग और बेली लाफ, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हंसना। किथ एंड केन्स, योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। माई हैंडफुल मीन्स बहुत ज़्यादा काम होना। चेरी ऑन द केक मीन्स कुछ और अच्छा होना, बेटर होना। लेट्स सी द क्यू कार्ड। I always have my handful because of handling both the responsibilities of managing house and job, because of which I feel stressed. In order to refresh my mind, I decided to watch a TV program suggested by one of my colleague. It was so hilarious that it made me die laughing. Here I would like to talk about the program. The name of that show is The Kapil Sharma Show. There were funny bunch of people who were trying to create humor while taking celeb interviews. That show was so funny that it gave me a belly laugh. Apart from Kapil Sharma, the host itself, my favorite character in that show is Bacha Yadav. He's cute, short and fat guy whose appearance itself make me laugh because he has long antenna looking choti. Every time when he came on the stage, he asked some funny riddles and answer of that riddles don't follow any logic, which create the laughter and make him funniest of all. In addition to this, character of Sapna is cherry on the cake. She always come with weird massage names which are actually the guest names and then give funny explanations for them. Her way of mouthing dialogues is comical too. As that show is broadcasted on weekends only, I try not to miss a single episode of that show. I watch it with my family and we laugh together and even share amusing clips with my kith and kids. Okay guys, तो ये English version था. अब हम देखेंगे इसका translated version, that means in Hindi. Let's see. मैं हमेशा मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि मैं दोनों घर और बाहर जॉब मैनेज करती हूँ और मैं कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हूँ, तो मैंने अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए एक टीवी प्रोग्राम देखने का सोचा, जो मुझे मेरी एक कलीग ने बताया था और वो इतना फ़नी था कि मैं हंसते हंसते मरने वाली थी। उस शो का नाम है कपिल शर्मा शो। वो इतना फ़नी है वहाँ पर लोग कि वो फ़न क्रिएट करने का कोशिश करते हैं जब वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेते हैं, और इतने फ़नी है कि वो हंसा हंसा के बैली दुखा देते हैं। कपिल शर्मा के अलावा जो कि होस्ट है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर उस शो में है बच्चा यादव। वो बहुत ही क्यूट और मोटू सा गाय है, बट उसकी जो वेशभूषा है, अपीयरेंस है, वो मुझे बहुत हंसाती है क्योंकि जब भी वो आता है उसके सिर पे एक लंबी सी चोटी होती है और वो जब भी आता है बहुत ही कोई फ़नी सी पहेली पूछता है जिसके जवाब का कोई लॉजिक नहीं होता, जिसकी वजह से लाफ क्रिएट होता है, हंसी क्रिएट होती है और उसे फ़नी बनाती है। शो को और बेटर बनाने के लिए सपना है जो कि मसाज के नाम गेस्ट के नाम पे रखती है और बड़ी फ़नी एक्सप्लेनेशन देती है। उसका डायलॉग बोलने का तरीका ही बहुत ज़्यादा फ़नी है। ये शो सिर्फ वीकेंड पे आता है, तो मैं कोई भी एपिसोड इसका मिस नहीं करती। मैं अपनी फैमिली के साथ देखती हूँ, हम हंसते हैं और इवन अम्यूजिंग क्लिप्स मीन्स फ़नी क्लिप्स भी मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। So guys, that was it. I hope you understand it. जाने से पहले please like, share and subscribe. Bye bye. Take care.